भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें तमाम वाहन निर्माता कंपनियों से लेकर नई स्टार्टअप कंपनियां भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही हैं। अगर आप भी एक लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के उन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो देते हैं 236 किलोमीटर तक की रेंज। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक पे आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है सिंपल वन। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी ने, जिस कंपनी का नाम है सिंपल एनर्जी। ये कंपनी का फ्लैगशिप स्कूटर है, जिसकी कीमत 1,10,000 रुपए से शुरू होती है। इस स्कूटर को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 1947 रुपए के टोकन अमाउंट से बुक किया जा सकता है। पहले चरण में कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित 13 राज्यों में उपलब्ध कराएगी, लेकिन जल्द ही इसको देश के सभी प्रमुख राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी ने 4.5 किलोवाट आवर की बैटरी दी है, जो 72 NM का टॉर्क जनरेट कर सकती है। इसकी रेंज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर सिंगल चार्ज में 236 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 105 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिल सकती है। कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर महज 2.9 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.6 सेकंड में 0 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर सकती है। इस स्कूटर में कंपनी ने 30 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया है। इसके अलावा इसमें 7 इंच का डिजिटल डैशबोर्ड, नेविगेशन, जियो फेसिंग, SOS मैसेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी फीचर दिए गए हैं। नंबर दो पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है उसका नाम है ओला S1। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इस स्कूटर को 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया है। कंपनी ने इस स्कूटर के दो वेरिएंट बाजार में उतारे हैं, जिसमें पहला ओला S1 और दूसरा ओला S1 प्रो है। ओला इलेक्ट्रिक ने इस स्कूटर में 3.9 किलोवाट आवर क्षमता वाला बैटरी पैक दिया है, जो 8.5 किलोवाट की पावर जनरेट कर सकता है। इसको फुल चार्ज होने में 6 घंटे का समय लगता है। कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर फुल चार्ज होने के बाद 181 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि ये स्कूटर महज 3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर सकती है, और इस स्कूटर की टॉप स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी ने इसमें 3 ड्राइविंग मोड दिए हैं, जिसमें पहला नॉर्मल मोड, दूसरा स्पोर्ट मोड और तीसरा हाइपर मोड है। ओला S1 की शुरुआती कीमत 99,999 रुपए है, तो वहीं ओला S1 प्रो की शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपए है। लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार की FAME सब्सिडी और दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के बाद इसकी कीमत 85,099 रुपए हो जाती है। नंबर तीन पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है उसका नाम है ओकिनावा प्राइस है। जापान की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ओकिनावा ने हाल ही में भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में प्रवेश किया है। इसमें इन्होंने अपने स्कूटर के एक लंबी रेंज को लॉन्च किया है, जिसमें ओकिनावा प्राइस है कंपनी का फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर है। कंपनी ने इस स्कूटर में 1000 किलोवाट की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी पैक दिया है, जिसको घर और दफ्तर कहीं भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इस स्कूटर को फुल चार्ज होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, जिसमें कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने के बाद 170 से 200 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देती है, जिसमें आपको 75 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलेगी। ओकिनावा प्रेज की शुरुआती कीमत 71,990 रुपए है, लेकिन केंद्र सरकार की FAME सब्सिडी के बाद इसकी कीमत और कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।